डीएनडी टोल टैक्स मामले को लेकर कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के टोल फ्री करने के फैसले पर रोक लगाने की मांग को लेकर निर्माता कंपनी ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल की है। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बुधवार को एक अहम फैसला देते हुए दिल्ली नोएडा डीएनडी फ्लाईओवर को टोल फ्री करने का आदेश दिया था। टोल वसूली के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर यह फैसला आया था। इस मामले में कई संगठनों ने प्रदर्शन किया था और कोर्ट में याचिकाएं दायर की थी। आपको बता दें कि डीएनडी से हर दिन 2 लाख गाड़ियां गुजरती हैं। फरवरी 2001 से यह फ्लाईओवर शुरू हुआ था। संगठनों का आरोप था कि 2000 करोड़ से ज्यादा की वसूली हुई है। इस दौरान टोल टैक्स बढ़कर करीब 5 गुना हुआ। अदालत ने लंबी बहस के बाद 8 अगस्त को निर्णय सुरक्षित रख दिया था। फ्लाईओवर बनाने का खर्च 407 करोड़ आया था। संविदा की तय शर्तों के अनुसार कंपनी 2001 से ही टोल वसूली कर रही है और लागत बढ़कर 5000 करोड़ हो गई है। अब डीएनडी टोल टैक्स का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखता है या फैसला पलटने का आदेश देता है, ये देखना फिलहाल बाकी है। देखते रहिए टीवी लाइव।